हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। एंड मैं हूं आपकी दोस्त मंजूसो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में दुपट्टा ड्रेप कर सकते हो। गाइस, तो आज की वीडियो है हमारी लहंगाज दुपट्टा ड्रेपिंग आइडियाज़ वीडियो। अगर आप भी तरह तरह के दुपट्टा ड्रेप करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। सो गाइस, बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो दुपट्टे के हमने कॉर्नर को पकड़ लिया और उसके बाद से इस प्रकार से आपको स्मॉल स्मॉल सी प्लीट्स हम बना रहे हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, बट अगर स्मॉल साइज़ के बनाते हो तो बहुत ही अच्छा दिखता है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा दुपट्टा ये था, तो मैंने इसे खुद से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने बहुत चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाया था, तो अगर आपके पास चौड़ा बॉर्डर का दुपट्टा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता है गाइज, तो आप उसे चूज़ कर लो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सभी प्लीट्स को वन बाई वन अच्छे से अरेंज कर रही हूँ गाइज, ये आप देख सकते हो। एंड इसके बाद से इसे अरेंज कर लेने के बाद आप देख लो कि आपके सभी प्लीट्स इक्वल हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई प्लीट्स अनइवन से हैं तो आप ऐसा करो कि फर्स्ट वाले प्लीट्स को बाकी के प्लीट्स से चौड़ी कर दो, तो जो आपके अंदर के अनइवन से प्लीट्स होंगे वो ढक जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो। फिर इसे हम कंधे पर इस प्रकार से लेंगे एंड घुटने से आप देख सकते हो गाइज, मैंने थोड़ा सा ऊपर इसे इस प्रकार से सेफ्टी पिन की हेल्प से टक कर लिया अपने ब्लाउज में। और जब भी आप ब्लाउज में पिन लगाओ तो हमेशा पीछे साइड की तरफ लगाओ गाइज कंधे के। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो बैक से हमारा जो पल्लू का पार्ट है, जो हमारे दुपट्टा है, उसे मैंने इस तरह से फ्रंट की तरफ लाते हुए यहाँ पर साइड में अपने लहंगे यानी स्कर्ट में इस प्रकार से टक कर लिया गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड जो ये हमारे पल्लू का सामने का जो दुपट्टे का पार्ट है, इसे आप चाहो तो यहाँ टक कर सकते हो, बट मैं इसे ऊपर ब्लाउज में टक करूँगी गाइज। आपको जहाँ भी कंफर्टेबल हो आप वहाँ टक करो। तो आप देख सकते हो मैं इसे ब्लाउज में टक कर रही हूँ। एंड अगर आप चाहते हो, अगर आप कंफर्टेबल ना फील करो तो आप अपने स्कर्ट में भी टक कर सकते हो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो सेफ्टी पिन की हेल्प से। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लुक आप देख सकते हो कि इतनी आसानी से क्रिएट हो गया गाइज। एंड ये बहुत ही पुराना स्टाइल है, बट फिर भी बहुत खूबसूरत लगता है, आप देख ही सकते हो। एंड अगर आपको ये मेरा लहंगा पसंद आया गाइज, तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है एंड मैंने केवल स्कर्ट ऑर्डर किया। इसमें पूरा सेट भी अवेलेबल था, बट मैंने 699 में केवल स्कर्ट ऑर्डर किया था गाइज। एंड इसके बाद से आप देख सकते हो मैंने कमर बंद लिया है एंड यहाँ पर मैं इसे लगा लूँगी गाइज, तो इससे क्या होगा आपका लुक जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कहते हैं ना चार चांद लग जाना, तो इससे आपके लुक में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है गाइज। एंड इस प्रकार से आप एक ही दुपट्टे में तरह तरह के स्टाइल कर सकते हो गाइज, ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लगता है। एंड गाइज, यहाँ जो मैंने ब्लाउज वेयर कर रखा है उसे मैंने खुद से स्टिच किया है, तो अगर आप भी इस तरह का ब्लाउज सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग वीडियो भी शेयर कर दूंगी गाइज। तो आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट लुक कितना खूबसूरत है। अब इसके बाद से हम अपने सेकेंड लुक के लिए आप देख सकते हो दुपट्टे को इस प्रकार से लेंगे और इसे बीच से हम लोग हाफ एंड हाफ कर देंगे और एकदम बीचों बीच से हम दुपट्टे में इस प्रकार से प्लीट्स ले रहे हैं गाइज। जैसे हम कंधे पे एक साइड दुपट्टा रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसे इस प्रकार से प्लीट्स लेते हुए अच्छे से अरेंज कर लेना होगा गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। इसके बाद से हम कंधे पर देख लेंगे हमारे दोनों तरफ के सिरे बराबर हैं कि या नहीं। यार यहाँ आप देख सकते हो गाइज, हमारे प्लीट्स के जो बॉर्डर है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होने चाहिए इस प्रकार से। एंड इसके बाद से पील लगाने के बाद यहाँ का जो पार्ट है आपका जो दुपट्टे का, इसे आप बैक साइड ले जाओ एंड बैक साइड की तरफ आप इसे टक कर दो अपने स्कर्ट में। आप देख सकते हो मैं इसे अपने स्कर्ट में इस प्रकार से टक कर दूंगी गाइज, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लुक क्रिएट हो जाएगा गाइज, आप देख सकते हो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। एंड इसमें भी आप देख सकते हो ये वाला जो दुपट्टा है हमारा, अगर आप चाहो तो इसे अपने इस प्रकार से बैंगल में आप अगर यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंपल सी नॉट लगा दोगे तो फिर एक और हमारा लुक क्रिएट हो जाएगा गाइज, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने नॉट लगाया है। एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लुक क्रिएट हो गया गाइज, ये आप देख सकते हो। सो इसी प्रकार से आप तरह तरह से वन दुपट्टे के स्टाइल से तरह तरह के लुक क्रिएट कर सकते हो गाइज, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसके बाद से आप देख सकते हो मैंने इसमें कमर बंद लगा दिया और फिर से हमारे लुक थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस होकर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कमर वाला पार्ट। एंड इसके बाद से हम अपना नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक रेड कलर का दुपट्टा लिया है जिसमें बॉर्डर हैं। एंड आप देख लो, जब भी आप दुपट्टा दूसरा चूज़ करो तो देखो आपके लहंगे में वो कलर है या नहीं, अगर ना हो तो गोल्डन तो एनी टाइम चलता है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों बॉर्डर में पहले सेफ्टी पिन से पिनअप कर लिया, उसके बाद से मैं स्मॉल स्मॉल प्लीट्स ले रही हूँ एंड उसे अपने इस प्रकार से बॉर्डर में आपको अच्छे से
प्लीट्स करके ढक लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी दोनों बॉर्डर दिख रही होगी। अब इसे हम बिल्कुल एक बराबर से कंधे पर इस प्रकार से रख लेंगे गाइज, आप देख सकते हो एंड पिनअप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डबल दुपट्टा ट्रैपिंग स्टाइल है गाइज, ये आप देख सकते हो। मेरे लहंगे में रेड कलर थे और ऊपर मैंने ब्लाउज रेड था, तो इस प्रकार से मैंने इसे रेड कलर का दुपट्टा यूज़ किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट लुक क्रिएट हो गया है, कितना खूबसूरत दिख रहा है गाइज। तो इस प्रकार से आप ये वाला स्टाइल भी कैरी कर सकते हो, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। एंड इसके बाद से आप देख सकते हो मैंने एक दुपट्टे को निकाल कर ये और इस वाले को मैंने पिन को वैसे ही रखा है। एंड यहाँ पर लाते हुए पीछे से घुमाते हुए यहाँ पर मैं टक कर लूँगी गाइज। एंड ये आप देख सकते हो ये मेरे सूट का दुपट्टा था गाइज, तो यहाँ पर इसमें बॉर्डर नहीं थे, लेकिन अगर आपके पास बॉर्डर वाला हो तो आप उसे यूज़ करें। एंड आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये सिंपल लुक है हमारा। एंड ये ओल्ड लुक है बट बहुत ही ज़्यादा फैशन में है गाइज, हमेशा आप देखते होंगे मूवी में साउथ इंडियन हमेशा ये लुक आपको दिखता होगा। सो ये हमारा नेक्स्ट लुक कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना। एंड इसके बाद से आप देख सकते हो दुपट्टे का मैंने ये कॉर्नर उठा लिया है, ये वाला क्वार्टर। एंड इसे हम अपने कंधे में ले जाते हुए जहाँ पर मैंने पिन किया था वहाँ पर इसे पिन कर लूँगी। पूरा अच्छे से आपको सेट कर लेना होगा बॉर्डर को, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ओवरऑल लुक भी आप देख सकते हो गाइस कैसा आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना नेक्स्ट लुक क्रिएट कर सकते हो, ये आप देख सकते हो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है गाइस, आप देख ही सकते हो। और बिल्कुल भी आपको अनकम्फर्टेबल सा फील भी नहीं होगा एंड बहुत खूबसूरत दिखेगा, ये आप देख सकते हो। एंड इसके बाद से फिर से मैंने पिन को यहाँ से खोल लिया है एंड सामने की तरफ से हम इस साइड की तरफ से दुपट्टा ले जाते हुए पीछे की तरफ टक कर देंगे, तो यहाँ पर एक और लुक हमारा क्रिएट हो जाएगा गाइस, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद से अब हम कंधे की पिन को खोलकर इस प्रकार से आप चाहो तो खुला भी दुपट्टा ले सकते हो, ये भी बहुत स्टाइलिश दिखता है गाइस। एंड इसके बाद से ये आप देख सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरा नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल है गाइस, तो ये नहीं है हमारा नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल, बट आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक न्यू दुपट्टा स्टाइल दिखाने वाली हूँ गाइस, एकदम न्यू लुक है ये। एंड इस प्रकार से आपको दोनों दुपट्टे के कॉर्नर को पकड़ लेना होगा एंड इसे इस प्रकार से लेते हुए अपने कंधे पर पीछे की तरफ गर्दन पर इस प्रकार से एक नॉट लगा देनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नॉट लगा ली। एंड यहाँ पीछे की तरफ आपको जो एक्स्ट्रा दुपट्टा दिख रहा होगा उसे आपको दोनों तरफ से इक्वल कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मेज़र कर लूँगी कमर के पास एंड बची हुई मैं दुपट्टे की इस प्रकार से स्मॉल स्मॉल सी प्लीट्स ले रही हूँ गाइस, आप देख सकते हो। एंड प्लीट्स लेने के बाद आपको इसे पीछे ही टक कर लेना होगा, ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आप टक कर लोगे गाइस, एकदम आराम से टक हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी किसी की हेल्प नहीं ली, खुद से टक किया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा हो गया जैकेट स्टाइल न्यू लुक। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट से कितना खूबसूरत दिख रहा है एंड अगर आप बैक पे अपने बाल खुले छोड़ देते हो तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लुक आया गाइस। सो ये हमारा नेक्स्ट लुक यहाँ पर क्रिएट हो गया है। सो गाइस इसके बाद से आप देख सकते हो मैंने फिर से दुपट्टे के जो नीचे के हमारे कॉर्नर थे उसे हमने बैक में इस प्रकार से ले जाते हुए टक किया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा न्यू लुक क्रिएट हो गया है गाइज। इससे क्या होगा, जो कॉर्नर आपके सामने की तरफ बार बार आपको परेशान कर रहे होंगे तो वो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा ये आप देख सकते हो जैकेट आएगा, श्रग स्टाइल हमारा आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा न्यू लुक आप देख सकते हो क्रिएट हो गया है गाइज, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है, इसे भी आप ट्राई करना। एंड हाँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना मत भूलना आपको कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके बाद से आप देख सकते हो मैंने दुपट्टे को इस प्रकार से नॉर्मल साइज का एक सिरा लेते हुए एंड इसे हम साड़ी वाले स्टाइल में, इस वाले जिसे हम मैरी मेड स्टाइल बोलते हैं गाइस, जो फिश कट स्टाइल होता है, ये हमारा वो वाला स्टाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये भी बहुत ओल्ड है बट बहुत खूबसूरत दिखता है गाइस, आप देख सकते हो गाइस लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, ओल्ड है बट बहुत खूबसूरत दिखता है। एंड यहाँ पर आप चाहो तो पिनअप कर लो जिससे आपको दुपट्टा होल्ड करने में ईजी हो जाए और कम्फर्टेबल फील हो। एंड यहाँ पर आप लुक देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है गाइस। एंड इसके बाद से नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग के लिए मैंने अपने देख सकते हैं पीछे के पल्लू का एक सिरा लिया है और इसे अपने बैंगल में इस प्रकार से मैंने होल्ड कर दिया है, टक कर लिया है। एंड इसके बाद से यहाँ का जो सामने से हमारे जो दुपट्टे का अंदर का पार्ट है उसे मैंने पीछे यहाँ पर लहंगे में टक किया है गाइस, आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको टक कर लेना होगा। एंड यहाँ पर सभी प्लेट्स को वन बाई वन आप अच्छे से अरेंज कर लो और इसे बनाते वक्त आप गाइस देख सकते हो सामने की जो हमारे पल्लू का पार्ट है उसे मैंने शॉर्ट रखा है, तो आप इस प्रकार से शॉर्ट रखो और इसे बिल्कुल यहाँ पर एक बराबर कर लो, जो सामने का बॉर्डर हो वो देखिए बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे आपने बेल्ट लगा रखी हो, तो ये बहुत खूबसूरत लुक आता है गाइस, आप देख सकते हो।
ये भी बहुत खूबसूरत लुक है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, एकदम न्यू है। एंड आप बैक साइड फ्रंट साइड दोनों तरफ से देख सकते हो। और गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा दुपट्टा ड्रेपिंग में। एंड इसके बाद से आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट दुपट्टा ड्रेपिंग के लिए यहाँ पर अपना ये वाला पार्ट लिया और इसे मैं यहाँ लहंगे में टक कर दूंगी गाइज इस प्रकार से। एंड इस वाले पार्ट को मैं अपने ब्लाउज में टक कर दूंगी। तो ये हमारा काउल लुक आप देख सकते हो, सामने से बिल्कुल काउल लुक क्रिएट हो गया और ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। ये भी ओल्ड है गाइज बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, आप देख ही सकते हो लुक। सो गाइज ये था मेरा लहंगा दुपट्टा ड्रेपिंग आइडियाज वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी मेकिंग की, हैंडमेड डिज़ाइन, हैंडक्राफ्ट, वुमेन स्टाइल अप रिलेटेड अडल्ट वीडियो, तरह तरह की वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो गाइज मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।